शहर के विकास के मद्देनजर गदा चौक सुपेला से अवंतीबाई चौक कोहका तक नाली निर्माण एवं पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य नगर निगम भिलाई द्वारा किया जा रहा है, परंतु इस कार्य की कछुआ गति ने रोड के किनारे के व्यापारियों को परेशान कर रखा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने से पहले और आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले कई विकास कार्यों का भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। इसी कड़ी में दिवाली के पूर्व गदा चौक से रानी अवंतीबाई चौक कोहका तक रोड के किनारे नाली बनाने हेतु गड्ढे खोदे गए थे और अभी यह कार्य पूरा भी नहीं हुआ है और 15 दिन पहले रोड के किनारे पेवर ब्लॉक लगाने के लिए खुदाई कर दी गई है। इसमें रोड के नीचे से जाती हुई पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है और इन सभी कार्यों की गति कछुए की गति को भी मात दे रही है। इन कार्यों की धीमी गति ने यहाँ के व्यवसायियों को परेशान कर रखा है, क्योंकि इस गड्ढे की वजह से ना तो इनके दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं और ना ही इनका व्यापार ठीक से चल रहा है। रोड के किनारे गड्ढे होने की वजह से हर रोज कई लोग यहाँ दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए व्यापारियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए निगम प्रशासन से गुहार लगाई है कि इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। दिक्कत ये आ रही है कि लोग खुदाई करके छोड़ दिए हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ पे गड्ढे को बना भरे जा रहा है, ना क्लीन किया जा रहा है। अब ये बताइए, इतने लंबे समय से गड्ढे को छोड़ दिया जाएगा तो व्यापारी कहाँ जाएंगे? यहाँ ग्राहक आना जाना बंद हो गया है, बच्चे यहाँ गिर रहे हैं और कहीं ज़्यादा खोदा गया है, कहीं कम खोदा गया है, ये भी समझ में नहीं आ रहा कोई मापदंड है खोदने का कि नहीं है। हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो। नाली का काम भी चल रहा है, पेपर ब्लॉक का भी काम चल रहा है, तो कोई काम तो पूरा हो, नाली का हो या फिर पेपर ब्लॉक का हो, दोनों काम एक साथ चालू हो रहा है। इतना विकास हो रहा है कि हम लोग को ज़्यादा विकास भी नहीं चाहिए ना, इतना तेज़ी से भी। दिक्कतें तो बहुत आ रही है भैया, दीपावली के पहले ये नाली का काम शुरू हुआ, ये जो नाली खोदने हैं 4x8 का नाली खोद दिए हैं और खोदने के बाद बातचीत हुआ इंजीनियर से तो वो बोला कि कम से कम हमको 8 से 9 दिन चाहिए हमको बनवाने के लिए, तो भी काम नहीं हो पाया। अभी एक हफ्ता पहले आगे का जो जो पोर्ट दिखा रहे हो आप, उसको भी खोद लिए हैं, जो हमारे कस्टमर को आने जाने में भागी तकलीफें हो रही हैं, जो हमारे कस्टमर दुकान पर आ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम दुकान में बैठे रहते हैं चुपचाप। काम शुरू हो तो काम आगे बढ़ाए हैं। आइए मान के चलो कि भैया ये सिलसिला चल रहा है तो काफ़ी लगता है कि 1.5 महीने से ऊपर हो गया, ये दीपावली के लगभग पहले का है, ये अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई काम हमारा भी नहीं आ रहा है और कोई पूछने भी नहीं आ रहा है कि भैया कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई आए तो हम परेशानी बताए। हम भैया चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके भैया उतना जल्दी कार्रवाई हो, काम हो, और रोड पे कितने कचरे हो गए हैं कि आए दिन आदमी स्लिप पर गिरना है, गिरते रहते हैं, उसे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। एक तत्काल बन जाए भैया तो सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, हम लोगों का भी आना जाना ठीक हो जाए, कस्टमर है ना भैया। ठीक है सर, ये नाली 2 महीने पहले से खुदी हुई है, यहाँ काम नहीं हो रहा है, गंदगी फैल रही है, ग्राहकी बहुत परेशान हो रहे हैं और बहुत सारी परेशानी हो रही है, गाड़ी रखने की जगह नहीं है, रेती गिरा दिए हैं, काम चल नहीं रहा है, बहुत सारे परेशानी है, इसको जल्द से जल्द ठीक करें। नाली के बाजू में और खोद दिए कि इसमें पत्थर रहेंगे और काम नहीं चल रहा है, काम 10-15 दिन से रुका हुआ है, पाइप लाइन भी चौक हो टूट गया है, उसको भी ठीक नहीं कर रहे, पानी गिर रहा है, सुबह सुबह पूरा पानी गड्ढे में भर जाता है। ये सबसे मेन चीज़ तो नाली और रोड जो इससे एक साथ खोद करके छोड़ दिए हैं, या तो दोनों काम कंप्लीट करो नहीं तो ना करो, और कोई मापदंड तो है नहीं। पेपर ब्लॉक के लिए कहीं 6 इंच खोदा गया है, कहीं 1.5 फीट खोदा गया है। अब उसकी सबसे मेन दिक्कत हो गई है कि पार्किंग भी नहीं है, लोग रोड पे गाड़ियां खड़ी करते हैं, रोज़ सुबह शाम एक्सीडेंट होना ही है और हो रहा है। या तो ये रोड पूरा कंप्लीट किया जाए या तो फिर कहीं और पे व्यवस्था किया जाए पार्किंग का, लेकिन लोगों को तो मतलब निगम को तो ये भी नहीं लगता है कि भैया खोद दिए तो चलो रहन दो, लोगों को परेशानी हो रही तो होने दो, अपने को अपने घर का थोड़ी कुछ जा रहा है, ऐसे सोचते हैं। ये सब नहीं होनी चाहिए ना भैया, ये सब मतलब ऐसा होना चाहिए कि काम जैसे ले रहे हो तो तुरंत ही कंप्लीट करो ना। अब 20 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है और दिवाली से पहले नाली खोद के छोड़ दिए थे, ना नाली का वर्क पूरा हुआ ना अपना पेपर ब्लॉक का हुआ है, तो ये दोनों होना चाहिए तभी तो अच्छा लगेगा भैया कि कोई विकास हो रहा है। ऐसे गड्ढा करके छोड़ दिए हो तो विकास के नाम पर तो सिर्फ ये लीपापोती वाला काम चल रहा है। इस कार्य में बनाए जा रहे नाली की ऊंचाई बेहद कम है और दुकान नाली की ऊंचाई से काफ़ी ऊपर। यह दृश्य देखकर समझना मुश्किल है कि इस रोड पर जिनकी दुकान ऊंची है वह अपने दुकान में आने जाने के लिए किस तरह से व्यवस्था बना पाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।